हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन वाला। आज की वीडियो में हम देखें लड्डू गोपाल जी के लिए ये पगड़ी और इसके साथ ये देखिए हमारी मैचिंग की है ड्रेस। बहुत खूबसूरत एकदम हैवी सी ड्रेस मैंने ये बनाई है, मैंने बनाई है 7 नंबर के लिए, बट आप इसे 6 नंबर को भी पहना सकते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेस की हेल्प से मैंने इसे आपको बनाना बताया है। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, और अगर आप इस ड्रेस को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439723786424 पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशनवाला 50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बेस रेडी कर लिया है ड्रेस का भी और पगड़ी का भी। तो ड्रेस के बेस की वीडियो अपलोड है चैनल पे, और पगड़ी जो है 7 नंबर की है। 7 नंबर के काना की पगड़ी जो भी आप मेरे चैनल पे देखेंगे उसमें मैंने आपको ये बेस बनाना बताया है। मैं एक वीडियो का लिंक दे दे रही हूँ जिसमें मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है, उसमें से जाके आप 7 नंबर के काना की पगड़ी का बेस चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये अगर मैं आपको इसका डायमीटर बताऊं तो 12 इंच है। कुछ लोग 12 इंच का डायमीटर 6 नंबर को भी पहनाते हैं, तो जो 6 नंबर को पहनाते हैं वो भी पहना सकते हैं। वैसे मैं 7 नंबर के लिए ही बना रही हूँ इसे, 7 नंबर को ही मैं पहनाती हूँ। मैंने देखिए ये चौड़ी लेस ली हुई है। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह की लेस मार्केट में मिल जाए, आपको वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर वर्क की हुई कोई भी लेस या फिर फैब्रिक 1 मीटर 2 मीटर आधा मीटर जो हमारे फैब्रिक मिलता है वो फैब्रिक भी आप लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये अगर मैं इसको चौड़ाई आपको बताऊं तो देखिये 2.75 इंच है इसकी चौड़ाई। मैं इसमें से 3 इंच का पीस एक कट करूंगी। ये देखें, ये इस तरह से 3 इंच पे हम एक पीस कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया। अब इसे हम करते हैं साइड, और इस पीस पे हम डेकोरेट करते हैं इसको। ये सब कुछ मैं हटा देती हूँ पहले। इसे डेकोरेट करने के लिए भी मैं लेस का ही यूज करूंगी। तो मैंने ये देखिए एक गोल्डन कलर में लेस ली हुई है, ये इस तरह की। इस पे काफी हैवी वर्क हो रखा है। ये देखें, जहां पे वर्क नहीं था वो हिस्सा मैंने कट कर दिया, सिर्फ वर्क वाला हिस्सा मैंने लिया हुआ है। तो मैं इस पे इसे इस तरह से लगाऊंगी, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें चिपकाना है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा पीछे चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, हमारी लेस वेस्ट होगी। तो जहां तक हमें जरूरी है वहीं तक हम लगाएंगे। तो ग्लू गन का यूज कर रही हूं मैं। ये देखें, ये इस तरह से ये ऐसे करके मैंने लगाया, और ग्लू गन की जगह पे एक देखिए फेवी बॉन्ड करके आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ये तो मैं पहले लेस लगा देती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएगा। ये उल्टी लगा दी मैंने, ये इस तरह से नग वाला हिस्सा मैंने बाहर की साइड रखा है, और ऐसे करके चिपका दूंगी। गर्म होता है गाइस, बचा के काम करिए। और ये तो बहुत इजी है, इजीली अवेलेबल है, ग्लू गन की आपको जरूरत भी नहीं है। तो इस ग्लू गन की जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर इसे सिल भी सकते हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे, इसका एक हिस्सा इधर। ये देखिए, यहाँ पे ये लॉक हिस्सा नहीं है, वो मैंने अंदर रखा है, और जो हमारा लॉक वाला हिस्सा है वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, और आप इसे चिपका भी सकते हैं। तो मैं इसे चिपका देती हूँ ये इस तरह से, बहुत इजीली बन जाती है। ये ऑर्डर की ड्रेस है, किसी ने ऑर्डर देके ही बनवाई है। तो मैं इसे कैटलॉग में भी डाल दूंगी, आप में से जिनको भी परचेज करना हो आप परचेज कर सकता है, आप में से जिनको भी परचेज करना हो परचेज कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7237862439 पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। अब इसमें कहा मैंने कई सारा पीस बनाया हुआ है, ये मैं अपनी ड्रेस पे लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है ही हमारा, देखिए येलो और पिंक कलर का। तो ये हम इस तरह से इन सभी को यहाँ पे हल्का हल्का सा दूरी दूरी पे ही लगाएंगे, बहुत पास पास लगा देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप हल्का हल्का सा दूर दूर करके रखिए। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करती हूँ और जल्दी जल्दी से रख देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने पूरे पे लगा दिया है। अब हम इसमें से एक एक पीस उठाएंगे और चिपकाते चले जाएंगे। तो देखिए ये एक पीस उठाया मैंने, इसे आप सिल भी सकते हैं सुविधा की हेल्प से। इसके सबसे पहले बीच वाले हिस्से पे ग्लू करूंगी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम साइड से भी ग्लू कर देंगे। और अच्छे से ग्लू लगाइए, ये नहीं कि चिपकाने के बाद आपका निकल जाए।
यहाँ से हम पकड़ेंगे और ये देखें इस तरह से रख के हमें चिपका देना है। अंदर हाथ डालिए और डाल के चिपका के इस तरह से दबा दीजिए। इसे आप कितना भी वॉश करिए, कुछ भी करिए, निकलेगी ही नहीं इसमें से। ये ग्लू स्टिक बहुत अच्छी है, ये फट जाएगी लेस ड्रेस आपकी, बट निकलेगी नहीं अगर आप खींच के ज़बरदस्ती निकालेंगे। कभी कभी गलती से इधर उधर थोड़ा सा लग जाता है, तो अगर सोचे कि हाँ निकाल ले इसको, तो इंसान निकाल नहीं सकता है क्योंकि बहुत अच्छी है, ड्रेस फट जाती है बट निकलती नहीं है। देखिए इसी तरह से हम इन सभी पीसेस को चिपकाएंगे। चलिए चिपकाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये मैंने सभी को चिपका लिया है। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए ये लेस ली है, इसमें से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं ढेर सारे, इन्हें मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो कैसे लगाएंगे ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे ग्लू करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करिए, बहुत कम नहीं करना है। ये इस तरह से, ये यहाँ यहाँ ये देखिए इकट्ठा ही मैंने थोड़ी दूर तक लगा लिया है। अब इन सभी पे मैं अपनी लेस फटाफट चिपका दूंगी। इकट्ठा थोड़ी दूर लगाने से ये होता है कि हाँ आगे वाला हमारा थोड़ा सा ठंडा भी हो गया रहता है और हम इस पे आसानी से लगा पाते हैं। ये इस तरह से करके लगा लेना है। ये देखें एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत खूबसूरत सी ड्रेस ये रेडी होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल का भी नहीं यूज़ करना है, आसानी से बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। और परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं आप मुझसे। आप मुझे 7237862439 7287624349 पे व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ये देखें पिछले बार मैंने ये सारी ड्रेसेस जो भी सेल में डाली थी उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के बना के सेल करते हैं, तो मैंने इस बार सभी की वीडियो बना दी है कि जो बनाना चाहे वो बना भी सकता है और जो खुद सेल भी करना चाहे वो कर सकता है। ये इस तरह से यहाँ पे हम लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरे पे लग गया है, ये देखिए हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना ये रेड टच देंगे। ये रानी कलर में मेरे पास स्टोन चार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे रेड कलर लगा रही हूँ, एकदम चल जाएगा, अभी देखिएगा आपको देख के समझ भी नहीं आएगा। तो ये पूरे सर्कल पे हम ग्लू लगा के लगा देंगे। इस पे आप नग वगैरह भी लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है गाइज, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत, एकदम सिंपल और आसान तरीके से बन जाती है, बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से ये देखिए मैंने लगा दिया। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूंगी। ये देखिए हमारी ड्रेस तो यहाँ पे रेडी हो गई है, इसे हम साइड कर लेते हैं और पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी के लिए भी हमने अपना ये दो पीस ले लिया है। इन दोनों पीस को इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद देखिए अंदर से उंगली डाल के मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे हम बांध देंगे। मैंने धागे को डबल करके ले लिया है। ये इस तरह से अंदर से आप उंगली डाल के इस तरह से पकड़ के बांधेंगे तो आपका फटाक से ये बन जाएगा। ये ऐसे करके ये बांध दिया मैंने। बांधने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेंगे। देखिए काफी ये मजबूत है हमारा, ये मैंने कट कर दिया। ये देखिए ये इस तरह से हमें मिल गया है। अब चलिए डेकोरेट करते हैं पगड़ी। ये देखिए एक कलकी मैंने इस पे लगाने के लिए बनाई हुई है। इधर से पहले हम ग्लू करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करिए ग्लू को और फिर चिपकाइए। थोड़ा सा ठंडा करके चिपकाएंगे तो फटाक से लग जाएगा। ये ऐसे ऐसे हमें इसे लटा के ही चिपकाना है इस तरह से। ये देखें ऐसे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा लेती हूँ बस। अब यहीं पे हमारा ये चिपक जाएगा, एक बार ड्राई हो गया फिर हमारा यहीं पे ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और ये हमने जो येलो नेट से अपनी कलकी बनाई हुई है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। ये इस तरह से, ये देखिए इसका एक हिस्सा यहाँ पे पकड़ के चिपका दीजिए और दूसरा हिस्सा इसके साथ चिपका लीजिए। ये देखिए ये दोनों हमारा लग गया। अब मैंने यहाँ पे ये पेप्स ले लिया है रानी कलर में, एक फ्लावर, ये अपनी दो बूटियां और ये स्टोन चार्ट ली हुई है। चले जो हमने रेड स्टोन चार्ट नीचे लगाई थी वही हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास रानी कलर में पेप्स नहीं है
तो रेड कलर में भी पेप्स यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए हमारा रेड कलर में स्टोन चार्ट यूज हो रहा है, वैसे ही रेड पेप्स भी यहाँ पे चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। ये देखें, ये एक हमने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा झुका के लगा दिया, और दूसरा हम इसके ऊपर से लगा लेंगे ये ऐसे। इसे आप थोड़ा सा खोल के फैला के लगाइए। यहाँ पे हम फ्लावर लगा देंगे एक, ये इस तरह से, और यहाँ यहाँ हम अपनी बूटियाँ लगा लेंगे ये ऐसे करके। ये देखें, ये मैंने दो बूटी लगा दी यहाँ पे। और अब ये जो खाली जगह बच रही है, सब हम नग और स्टोन लगा के कवर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्रेस जो है वो कंप्लीट हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये रही हमारी ड्रेस और पगड़ी दोनों। तो आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।